देखिए दोस्तों, गूगल एडसेंस के अंदर जो है एक बहुत ही बड़ा इशू चल रहा है, प्रॉब्लम चल रहा है। और जितने भी नए यूट्यूबर है, अक्सर नए यूट्यूबर जिनका अभी फिलहाल में चैनल मोनेटाइज हुआ है, तो वो लोग जो है ना काफ़ी परेशान है। और पता है वो परेशानी क्या है, वो प्रॉब्लम क्या है? वो ये है कि देखिए, जब उनका चैनल मोनेटाइज हो जा रहा है और जब वो आइडेंटिटी वेरीफिकेशन भी कर लेता है और एड्रेस वेरीफिकेशन भी कर लेता है, उसके बाद में अब बारी आती है बैंक अकाउंट ऐड करने का। लेकिन देखिए तो वो दोस्त वहाँ पर जो है उनको बैंक अकाउंट ऐड करने का ऑप्शन ही नहीं आ रहा है, जिससे वो काफ़ी परेशान है। उनका डॉलर से डॉलर पे डॉलर बढ़ता जा रहा है, यहाँ तक कि $100 से ऊपर भी हो चुका है, लेकिन जो है उनको बैंक अकाउंट ऐड करने का ऑप्शन ही नहीं आ रहा है, जिसकी वजह से जो है वो अपनी बैंक अकाउंट में पैसे नहीं ले पा रहे। तो दोस्त इस वीडियो के अंदर मैं इसी का सोल्यूशन बताने वाला हूँ कि आप जो है किस तरह से अपने गूगल एडसेंस से अपने बैंक अकाउंट को लिंक करेंगे, यानी कि ऐड करेंगे। तो दोस्त अगर आपको भी ये वाला प्रॉब्लम हो रहा है या अगर आप एक नए यूट्यूबर हैं, तो फिर भी आप इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए, हो सकता है कि आपको भी आगे चल के ये वाला प्रॉब्लम हो सके। ओके, तो चलिए दोस्त आज की इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और मैं अब आपको बता देता हूँ कि आप जो है किस तरह से अपनी एडसेंस में बैंक अकाउंट को ऐड करेंगे। सबसे पहले आप अपने मोबाइल के अंदर गूगल एडसेंस को लॉगिन कर लेंगे गूगल क्रोम में जाके, ठीक है। यहाँ पे आप गूगल क्रोम में जाके गूगल एडसेंस लिख के सर्च कीजिए, उसके बाद में यहाँ पे एडसेंस अर्न मनी फ्रॉम वेबसाइट मोनेटाइजेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद में नीचे आएंगे और यहाँ पे स्टार्ट पे क्लिक कर देंगे। स्टार्ट पे क्लिक करने के बाद में जिस ईमेल आईडी से यूट्यूब चैनल है उसी आईडी को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में अब देखिए आपके सामने में इस तरह से ऑप्शन आएगा। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा साइट में यहाँ पे देखिए नीचे में पेमेंट्स लिखा हुआ है, आप इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद में यहाँ पे पेमेंट्स इन्फो पे क्लिक करेंगे। ओके, अब देखिए आपके सामने में जो इस तरह से ऑप्शन आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो यहीं पे खड़ा हो जा रहा है, ठीक है। इसलिए देखिए पहले जो है यहाँ पे अपना बैंक अकाउंट ऐड करने का ऑप्शन आ रहा था, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कहीं पे भी जो है बैंक अकाउंट ऐड करने का ऑप्शन नहीं आ रहा है। तो सारे लोग जो है ना यहीं पे कन्फ्यूज है। तो इसी कन्फ्यूज को दूर करने के लिए मैं ये वाला वीडियो खास करके आप लोगों के लिए बना रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पे तो बैंक अकाउंट ऐड करने का ऑप्शन नहीं आ रहा है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है पेमेंट्स अकाउंट, उसके बाद में यहाँ पे एडसेंस इंडिया लिखा हुआ है, तो आपको ये वाला जो एरो दिख रहा है ना, आप इसी पे क्लिक करेंगे, ठीक है। इस पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे देखिए इंडिया US डॉलर पे आपको क्लिक कर देना है। अब देखिए जैसे मैंने क्लिक किया, तो क्लिक करने के बाद में यहाँ पे आप देखेंगे कि जो है यहाँ पे अब जो है ये कितना डॉलर है, $12 है, वो भी दिख रहा है यहाँ पे। और उसके बाद में यहाँ पे आप देख सकते हैं ऐड पेमेंट मेथड, यानी कि अब जो है यहाँ पे बैंक अकाउंट ऐड करने का ऑप्शन आ चुका है, ठीक है। अब देखिए बैंक अकाउंट ऐड करने के लिए आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पे ऐड पेमेंट मेथड पे क्लिक करना है। अब देखिए सबसे ऊपर में क्या लिखा हुआ है, बेनिफिशियरी आईडी, तो यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं लिखना है, ओके। उसके बाद में यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है नेम ऑन बैंक अकाउंट, आपके पासबुक में यानी कि आपके बैंक में जो भी नाम है आप उसी नाम को यहाँ पे डाल देंगे। उसके बाद में यहाँ पे लिखा हुआ है बैंक का नाम, आपका कौन सा बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल, यूको बैंक, जो भी है उसी बैंक का नाम को डाल देंगे। उसके बाद में यहाँ पे आता है IFSC कोड, तो जो है आपके पासबुक में आपके बैंक अकाउंट का जो भी IFSC कोड है उसको डाल देंगे। उसके बाद में यहाँ पे आता है स्विफ्ट कोड, ओके। और देखिए दोस्त स्विफ्ट कोड जो है ना आपके पासबुक में नहीं मिलेगा आपको। यहाँ पे देखिए अगर आप स्विफ्ट कोड पता करने के लिए चाहते हैं तो इसके ऊपर मेरा ऑलरेडी एक वीडियो बना हुआ है, तो उस वीडियो का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो उस वीडियो को देख के जो है आप स्विफ्ट कोड पता कर सकते हैं अपने बैंक ब्रांच का, ओके। तो जो है आप उस वीडियो को देख के पता कर लीजिए। उसके बाद में यहाँ पे आप क्या करेंगे, अपना अकाउंट नंबर डाल देंगे और उसके नीचे में फिर से जो है उसी अकाउंट नंबर को डाल के यहाँ से सेव कर देंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे मैं हर चीज़ डाल के मैं आपको बताता हूँ। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने हर चीज़ डाल दिया है। डालने के बाद में आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पे सेव पे क्लिक कर देना है। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका बैंक अकाउंट जो है वो ऐड हो चुका है। यहाँ पे देखिए पहले जो है यहाँ पे नहीं आ रहा था बैंक का नाम, अब यहाँ पे देखिए बैंक का ट्रांसफ़र टू बैंक अकाउंट और आपके अकाउंट का जो लास्ट का 3 नंबर है वो 3 नंबर यहाँ पे आपको दिख जाएगा, ओके। और यहाँ पे देखिए मैनेज पेमेंट मेथड पर क्लिक करके जो है आप बैंक अकाउंट चेंज वगैरह भी कर सकते हैं। और जब तक आपके गूगल एडसेंस में $100 नहीं होगा तो आपके बैंक अकाउंट में पैसे नहीं आने वाला है। तो सबसे पहले आप मेहनत करके $100 पूरा कीजिए, उसके बाद में अपने आप जो है आपके बैंक अकाउंट में हर महीने के 25 तारीख को आ जाएगा। तो इस तरह से जो है आप अपने एडसेंस से बैंक अकाउंट को लिंक कर सकते हैं, यानी कि ऐड कर सकते हैं। तो दोस्त आपको ये जानकारी कैसा लगा आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बता देना। तो चलिए दोस्तों बस आज के लिए इतना ही है, अब हम आपसे मिलते हैं अगले किसी नई वीडियो में।